भारत माता की जय। टी20 विश्व कप के फाइनल में जैसे ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त दी, वैसे ही शहर में जीत का खुमार और जश्न हर किसी पर चढ़ गया। देखते ही देखते शहर के हर ओर से फटाके की गूंज सुनाई देने लगी, वहीं हर ओर से भारत माता की जय के नारे सुनाई देने लगे। लेकिन शहर में सबसे ज्यादा माहौल दिखाई दिया घंटाघर चौराहे पर, जहाँ देर रात तक सैकड़ों लोग भारत माता की जय और आतिशबाजी के साथ इस जीत के जश्न को मनाते नजर आए। युवाओं और बच्चों के साथ ही लोग इस जश्न में परिवार के साथ शामिल हुए। शहर के मुख्य बॉम्बे बाजार और घंटाघर पर लोग गाड़ियों से तिरंगा लहराते हुए पहुंचे। यहां पर कई परिवार भी इस जश्न का आनंद लेते दिखाई दिए। इंडिया जीते आज 13 साल बाद हमने वर्ल्ड कप जीता और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। 2014 से 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप बैक टू बैक फाइनल में हारने के बाद आज फाइनली हम लोग 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीते और हम बहुत बहुत। आपका नाम बता दीजिए। ये शिवाशीष काकानी। आज बड़ा उत्साह है, आज बड़े हौसले और गर्व का दिन है। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से शानदार प्रदर्शन करते हुए, भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2011 के बाद वर्ल्ड कप आज फिर से भारत के नाम किया है। हमें बहुत उत्साह है, हम बहुत खुश हैं। सारा देश जश्न मना रहा है, सारा देश भारत माता की जय बोल रहा है। भारत माता की जय। नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष शर्मा का।